अस्सलाम वालेकुम जी भाई जवानों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? पेपर की तैयारी कैसी है? ठीक ठाक हो? वालो लो जी, नया पेपर आ गया 2022 का। तो 22 का पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, कहता है द रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इज आई इज इक्वल 60 t^1/3 एंड कैपिटल स्टॉक एट टी इज इक्वल 1 इज 85। फाइंड द कैपिटल फैक्टर, कैपिटल फंक्शन के। तो इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है जनाब से कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी आई जो बराबर है वो है 60 t^1 के, और अगर टी 1 हो जाए और तो कैपिटल फॉर्मेशन या कैपिटल स्टॉक यानी के वो 85 के इक्वल होता है। तो आप बताएं कि इस वक्त कैपिटल फंक्शन क्या है। इसमें बुनियादी तौर पे हमने फाइंड करना है के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए पहले आप समझ लें कि जो आई होता है ना वो डी के ओवर डी टी के बराबर होता है, तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पहला क्वेश्चन। आई हमें पता है कि आई जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बुनियादी तौर पर इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल फॉर्मेशन को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी कैपिटल में जो चेंज आता है वो इन्वेस्टमेंट होती है। तो डी के और डी टी ये हमारी इन्वेस्टमेंट बनती है। तो आई बराबर हो गया डी के ओवर डी टी के, यानी डी के ओवर डी टी का मतलब ये है कि कैपिटल में चेंज जो आ रहा है इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। तो आई चूंकि 60 t^3 एक बड़ा तीन थी, तो आई बराबर आ गया डी के ओवर डी टी के। तो डी के ओवर डी टी बराबर आ गया 60 t^1/3। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, ये टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो डी के की इंटीग्रेशन और उधर 60 t^1/3 डी टी की इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो इधर तो के बन गया और उधर 60 t^ सिंपल सी इंटीग्रेशन है, इसमें ताकत में एक जमा हो गया और उसी को हमने डिवाइड कर दिया। तो 1/3 + 1 तकसीम 1/3 + 1। तो इसको जब हल किया तो ये बन गया आपके पास 4/3 तकसीम 4/3। ये जो 4/3 है ये इधर ऊपर जाके 60 के साथ ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 डिवाइड हो जाएगा, ये 4/3 हो गया, ये 3/4 आ गया। तो 4 और 60 को डिवाइड किया तो 15 आ गया और 15 + 3 = 45 बन गया। तो ये आ गया 45 t^4/3 + c। अब जो इनिशियल कंडीशन दी थी वो ये है कि अगर टी की ताकत 1 हो तो के 85 होगा। तो इसको जो ऊपर वाली इक्वेशन है कि टी की जगह 1 रखे और के की जगह 85 रखे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो टी की जगह पे हमने 1 रखा तो 1 की ताकत 3/4 तो वो 1 हो गया, तो 85 बराबर आ गया 45 + 1 = c के। तो 45 को उधर जाके माइनस करेंगे तो सी की कीमत आ गई 40। तो अब सी की जगह पे हम उसकी कीमत 40 रखेंगे तो के हमारे पास आ गया 45 t^4/3 = 40। तो ये है आपका फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन ये है, कहते हैं जिसको सॉल्व करें वाई इक्वल है इंटीग्रेशन 2x^5 - 3x^-1/4 dx। तो अब आपने सिर्फ इसकी सिंपल इंटीग्रेशन करनी है। तो फिर वो कहता है कि अगर x 0 होगा तो फिर y 6 होगा, ये इसकी इनिशियल कंडीशन में इसने दी है। तो आराम से इसकी हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो f y बराबर है इंटीग्रेशन 2x^5 dx - 3x^-1/4 dx। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर x की ताकत 5, इधर से 3 बाहर आ गया तो अंदर x की ताकत -4। तो सिंपल इसी इंटीग्रेशन है, 5 की ताकत में 1 x की ताकत में 1 करना, उसी को डिवाइड करना है, इधर भी x की ताकत में 1 करना, उसको डिवाइड कर देना। तो ये आपके पास आ गया x की ताकत 5 + 1/5 = 1, इधर -1/4 - 1 - 1/4 = 1। इसको हल किया तो x की ताकत 6/6 = 2 - 3, x की ताकत 3/4 = 3/4, और इसको सॉल्व किया तो ये 3 से कट जाएगा और 4 रह जाएगी इसकी ताकत ऊपर जाके, और इधर भी x की ताकत 1/3 रह जाएगी, 2 × 2 = 2 − 4x^3/4 = c आ गए। अब जो इनिशियल कंडीशन है वो कहता है जी अगर x 0 हो तो y 6 बनेगा,
तो हम x के जगह पे 0 पुट करते हैं तो ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी और y बराबर आ जाएगा 6 के, पुट x इक्वल 0, तो ये हमने 0 पुट किया यहां पे, तो अब ये 0 हो गया, तो 0 प्लस 0 प्लस c इधर आ गया 6, तो c की ताकत आ गई, c की कीमत आ गई 6, तो ये पूरी इक्वेशन जो ना वो ये क्या बनी, x y बराबर 1/3 x6 - 4 x की ताकत 3/4 जमा 6 ये आ गई c की कीमत। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। ले जी अब क्वेश्चन है, कहता है एट अ सर्टेन फैक्ट्री द मार्जिनल कॉस्ट इज 3 × Q - 4 t² पर यूनिट व्हेन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज Q यूनिट। By how much will the total manufacturing cost increase if the level of production is raised from 6 units to 10 units? तो सिंपल सा सवाल है, वो कहता है ये marginal cost आपको दिया गया है, इससे आप total cost मालूम करें, और दूसरी बात हमें ये बताया कि अगर हम production को 6 unit की बजाय 10 unit पे ले जाए तो हमारी जो टोटल कास्ट है उसमें कितना इजाफा होता है, यानी पहले अगर फर्ज किया कि कुर्सियां बन रही हैं, अगर पहले 6 कुर्सियां बनती थी, अब 6 कुर्सियों की कास्ट टोटल कितनी आ रही थी, और अब कुर्सियों की तादाद हम बढ़ा के 10 यूनिट करते तो फिर टोटल कास्ट में कितना फर्क आएगा। तो ये बुनियादी तौर पर वो पूछना चाह रहा है कि टोटल कास्ट में 6 यूनिट से बढ़ा के अगर हम अपनी प्रोडक्शन को 6 यूनिट से बढ़ा के 10 यूनिट तक करते तो हमारी जो टोटल कास्ट है उसमें कितना इजाफा होगा। तो इसको हम हल करते हैं, तो मार्जिनल कास्ट दिया गया है तो इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि मार्जिनल कास्ट की इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल कास्ट आएगी, तो उसके बाद फर्दर हम इसको आगे बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चूंकि मार्जिनल कास्ट है तो टोटल कास्ट मालूम करने के लिए हमें इसकी सिंपल इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो मार्जिनल से टोटल की तरफ जाएंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये 3 बाहर आ गया, ये वाला 3 बाहर आ गया अंदर, Q - 4² d³ सिंपल सी इंटीग्रेशन है इस पूरे की, क्योंकि ये Q की ताकत आगे 1 है, क्योंकि इंटीग्रेशन Q का डेरिवेटिव आगे 1 है इसका, इसलिए इसकी ताकत में एक जमा करेंगे और उसी को हम डिवाइड कर देंगे, तो ये चीज बाकी Q - 4 की ताकत 3/3 जमा 6, तो ये 3 से कट गया तो वैल्यू आ गई आगे पास Q - 4 की ताकत 3 - c। अब वो पूछता है जी अगर ये तो हो गया इसकी टोटल वैल्यू, टोटल इसकी कास्ट आ गई, अब कहता है अगर उसकी जो क्वांटिटी है वो 6 हो तो फिर टोटल कास्ट कितनी होगी, हम Q की जगह पे 6 पुट करेंगे फिर देखेंगे क्या इसका आंसर आता है। Q = 6, तो ये आ गया 6 - 4, 6 में से 4 गए तो 2 की ताकत 3 - 8 आ गया। अब कहता है अगर यही क्वांटिटी बढ़ के 10 हो जाती है, ये क्वांटिटी बढ़ के 10 हो जाती है तो 10 पे जाके इसकी टोटल कास्ट में कितना फर्क आएगा, तो Q हम 10 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 - 4 की ताकत 3, 10 - 4 = 6, 6 * 3 = 216 आ गया। तो अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, यानी पहले जो प्रोडक्शन हो रही थी उसमें जो कास्ट उसकी आ रही थी वो थी 8 की, अब उसने अपनी जो मिकदार बढ़ाई है तो वो 216 हो गई उसकी कास्ट, तो अब इसका फर्क कितना आया, फर्क इसका आया 208 यूनिट का, यानी पहले 8 थी फिर 216 आ गई, तो 216 में से 8 गए तो 208 यूनिट का इंक्रीज जो ना वो इस क्वेश्चन में देखने में आया। जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है जी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x² - 3y² dx + 2xy dy = 0। तो ये एक इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सिंपल इंटीग्रेशन का सवाल है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि इसको थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ता है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका सलूशन। अब ये क्वेश्चन है जी कहता है इसकी इंटीग्रेशन करें x² - 3y² dx + 2xy dx, तो हम इस इक्वेशन में से पहले इसको सॉल्व करेंगे dy/dx के लिए, dy/dx के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस 2xy जो है ये प्लस 2xy उधर जाके -2xy dy/dx हो गया। अब dx/dy को इधर ले आए और ये 2xy को हम इधर ले गए, यानी ये वाला जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये वाली जो मल्टीप्लाई हो रही है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये आपके पास बन गया -x² - 3y² / 2xy और इधर बन गया dy/dx।
अब ये वाला माइनस अंदर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो माइनस वाली वैल्यू प्लस में हो जाएगी, जो प्लस वाली वैल्यू वो माइनस में हो जाएगी, यानी ये बन जाएगी 3y² माइनस x स्क्वायर, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ओवर 2xy, ये बन गया dy/dx, और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए एक थोड़ी सी अमेंडमेंट करते हैं, हम फर्ज करते हैं कि y बराबर है vx के, y इज इक्वल vx के। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव लें dy ओवर dx फाइंड करें इस वाली इक्वेशन का जो हमने लेट की हुई है, तो वो ये चीज बनेगी आपके पास, dy ओवर dx इज इक्वल v, यानी फर्स्ट टर्म सेम मल्टीप्लाई बाय सेकंड का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव पर प्लस x सेम, और इधर dy ओवर dv ओवर dx ये बन जाएगा आपके पास। अब ये आ गया आपके पास dy ओवर dx इज इक्वल v प्लस x dv ओवर dx, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 2। अब इक्वेशन 2 और भी dy ओवर dx है और इक्वेशन 1 भी dy ओवर dx है, तो dy ओवर dx को इक्वल किया तो ये इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी, जो पहली इक्वेशन लिखी थी हमने 3y² माइनस x² ओवर dy ओवर dx इज इक्वल v प्लस x dv ओवर dx। अब जो पिछली इक्वेशन हमने ये फर्ज किया था कि y इज इक्वल vx है, तो उसको पुट y इज इक्वल vx है, तो y की जगह पे हम vx इधर लिख देंगे, तो ये y की जगह पे आ गया v²x² और नीचे भी y की जगह vx आ गया, तो यहां से कॉमन ले ले आप x² कॉमन ले ले, इधर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये x² हो जाएंगे, x x से मल्टीप्लाई होके x² हो जाएगा, तो ये देखिए यहां से हमने x² कॉमन ले लिया, इधर ये दोनों मल्टीप्लाई होके x² हो गया। अब ये x² से कट जाएगा तो आपके पास वैल्यू रह जाएगी 3v² माइनस 1 ओवर 2v, और ये वाला जो वी इधर प्लस हो रहा था इधर आके माइनस हो गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी आपके पास 3v² माइनस 1 माइनस 2v². अब ये 3v² में से 2v² माइनस हो जाएगा तो ये रह जाएगा 1v², ये देखिए v² माइनस 1 ओवर 2v इज इक्वल x dvx आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये dx और x को हम सेपरेट करेंगे और ये v और 2v को हम सेपरेट करेंगे, ये v² माइनस 1 और ये 2v इधर आएगा तो ये उलट जाएगा, यानी 2v ऊपर चला जाएगा और v² माइनस 1 ये नीचे आ जाएगा, और इधर से ये dx इधर आएगा तो ये dx ऊपर आ जाएगा और ये x जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वेशन ये बन जाएगी 1 ओवर x dx इज इक्वल 2v ओवर v² माइनस 1 dv। अब हम इन दोनों की इंटीग्रेशन कर लें तो ये 1 ओवर x और ये इधर इंटीग्रेशन 2v। अब ये देखिए ये x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो ये नीचे वाले का log बन के इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, यानी आएगा log x, और इसका भी डेरिवेटिव v² ये ऊपर मौजूद है तो इसकी भी नीचे वाले की जो ना वो log आ जाएगा, तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, यानी ये आंसर आएगा log x और ये आंसर आएगा log v² माइनस 1। ये देखिए log x प्लस log c ये जो कांस्टेंट था और ये आ गया log v² माइनस 1। अब ये चूंकि प्लस हो रहे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा जी log cx इक्वल log v² माइनस 1। अब इसका हम एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लेने से ये दोनों log कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा x c इज इक्वल v² माइनस 1। तो अब हमने यहाँ पे v की वैल्यू रखनी है, v की वैल्यू आ गई y ओवर x, यानी वहां से x इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो v की वैल्यू y ओवर x आ गया, तो v की जगह पे हम रखेंगे y² ओवर x² माइनस 1। अब ये x इधर डिवाइड हो रहा है इधर आ गया, एलसीएम लेके हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y² माइनस x² ओवर x², ये x के इधर जो डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x³ c इज इक्वल y² माइनस x², ये माइनस एक्स के इधर आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ + x² इज इक्वल y². अब ये y³² खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सारे का स्केयर रूट ले लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल x³ c + x² सारे की ताकत 1/2। तो ये है जी आपका फाइनल आंसर y की वैल्यू। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं वो फिर पूछ रहा है, कहता है फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y′-5y′+4y=2। सिंपल सी डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका वो सॉल्यूशन मांग रहा है सिर्फ जनरल सॉल्यूशन, तो इसकी इनिशियल कंडीशन क्योंकि गिवन नहीं है इसलिए हम इनिशियल कंडीशन पे नहीं जाएंगे, तो सिर्फ इसी को हम सॉल्व करेंगे कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब है जी इसका कहते हैं जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे y′-y 5y′+4yt = 2। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन,
आपको पता है ये है वाई टी इज इक्वल वाई पी प्लस वाई सी, एक वाई पी और एक वाई सी होता है, तो वाई पी इक्वल होता है बी ओवर ए टू, तो यहाँ पे बी हमारे पास दो है और ए टू हमारे पास फोर है, तो इसको काटेंगे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा वन ओवर टू, तो वाई पी आ गया वन ओवर टू। अब वाई सी फाइंड करना है, वाई सी फाइंड करने के लिए हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाते हैं, यानी ये जो y डबल प्राइम है ये हो जाएगा y r स्क्वायर, सिंगल प्राइम है तो r की पावर 1 और प्राइम नहीं है तो फिर r भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 4, ये इक्वेशन बनेगी r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 4 इज इक्वल 0। अब इसमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे जिसको फार्मूले से हल करेंगे, इसमें a आ गया 1, b आ गया माइनस 5 और c आ गया 4, तो इसके रूट्स देखने के लिए हम इसके फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी के लिए रूट्स कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स रूट हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं या रिपीटेड रूट केस है, तो इसको रूट्स को देखने के लिए हम बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी सॉल्व करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी आ गया माइनस 5 की ताकत 2 माइनस 4 ज़रब 1 ज़रब 4 बराबर आ गया 5 का 25 और 4 चौके 16, 25 में 16 गए तो 9, तो ये 0 से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये डिस्टिंक्ट रूट केस आएगा, यानी दोनों रूट्स अलग अलग आएंगे, इसको सिंपली सॉल्व और y से यहाँ पे फिर आ जाएगा a1 e की पावर r1 t प्लस e2 e की पावर a2 e की पावर r2 t, ये वैल्यूज की आ जाएगी, तो इसमें इसको सिंपली सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से, r1 r2 इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ac ओवर 2 a, तो b की वैल्यू रखी यहाँ पे माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 और ये 5 का 25, 25 में 16 गए तो 9, 9 का जो लिया तो 3, यानी 5 जमा माइनस 3 तकसीम 2, तो 5 जमा 3 ये दो दफा आ जाएगा, 5 जमा 3 बटा 2 और 5 माइनस 3 बटा 2, 5 और 3 8 बटा 2 4 आ गया और 5 में से 3 2 बटा 2 1 आ गया, ये आपके पास वैल्यूज आ गई आर1 और आर2 की, R2 की 4 और 1। अब उनको वहां पे जो YC की वैल्यू हमने रखी थी जो हम जाके हमने पुट किया, R1 की जगह पे 4 लिख दिया और R2 की जगह पे हमने 1 लिख दिया, तो ये इक्वेशन आपके पास YC बन गई, A1 e की पावर 4T प्लस A2 e की पावर T। अब इसको ज्वाइन करें YT इज इक्वल YP प्लस YC, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई A1 e की पावर 4T प्लस E2 A2 e की पावर T प्लस 1 ओवर 2, ये पूरी इक्वेशन आपके पास आ गई, तो ये आपके पास इसका जनरल सॉल्यूशन बन गया जी। तो ये अब आखिरी सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो कहते हैं जी इस सवाल में इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करें, तो इंटीग्रेशन फैक्टर ये क्वेश्चन है 7y जमा 4t स्क्वायर dy जमा 4ty dt बराबर 0, इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है जी इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करें, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर से पहले आप समझ लें कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखने के लिए हम फर्ज करते हैं कि ये dy के साथ जो वैल्यू है इसको हम कह देते हैं कि ये m है और इसके साथ इसको हम कह देते हैं ये n है, यानी हम इसको फर्ज कर लेते हैं ये m है और इसको फर्ज कर लेते हैं ये n है। अब हमने करना क्या है कि इस वाले का डेरिवेटिव, इस वाले का डेरिवेटिव इस वाले के लिहाज से लेना है, यानी y के साथ जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव t के लिहाज से और t के साथ जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव y के लिहाज से उल्टा करना, यानी m का डेरिवेटिव t के लिहाज से n का डेरिवेटिव y के लिहाज से लेना, इन दोनों के डेरिवेटिव लेके देखना है कि इनका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चले पहले तो ये देखते हैं कि इनका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी क्या करना क्या है फिर सुन ले, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, इस वाली वैल्यू का डेरिवेटिव हमने लेना है इसके लिहाज से, यानी टी के लिहाज से, और टी वाले के साथ वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेना हमने वाई के लिहाज से। तो जरा देखिए, तो एग्जैक्टनेस के लिए जरूरी होता है कि इसका डेरिवेटिव टी के लिहाज से, उसका डेरिवेटिव वाई के लिहाज से आंसर सेम आ रहा है। तो जरा देखिए, इसका डेरिवेटिव ले अगर हम वाई के लिहाज से टी के लिहाज से ले तो ये तो जीरो हो गया और इसका डेरिवेटिव आएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जो 4 2 8 8 टी बन गया, इसका डेरिवेटिव लेना हमने y के लिए है तो ये 4 एकम ये y का डेरिवेटिव 1 आ गया तो 4t आ गया। अब ये 8t और ये 4t ये बराबर नहीं आए, अब इनको बराबर लाने के लिए कोई नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें। अब ये चूंकि बराबर नहीं आए तो इसलिए हम क्या करेंगे, कोई ऐसा वेरिएबल ढूंढेंगे जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें
तो वो क्या बन जाए, इक्वल हो जाए। तो हम यहाँ पे वाई के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। y के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन गई 7y² + 4ty, और ये इक्वेशन बन गई 4ty², इन सारी इक्वेशन को हमने y के साथ मल्टीप्लाई कर दी, ये बन गया 7y² + 4t² y, और ये बन गया 4ty². अब इसको दोबारा वही फार्मूला लगाएं कि इसका डेरिवेटिव ले लें y t के लिहाज से, और इसका डेरिवेटिव ले लें आप y के लिहाज से। तो इसका डेरिवेटिव t के लिहाज से लिया तो ये तो जीरो हो गया, और इसका डेरिवेटिव जब t के लिहाज से लिया तो 4 × 8 yt आ गया। अब इधर y के लिहाज से लेंगे तो y की तक 2 बन गई है, इसी अभी 4 से तरफ होगा तो 4 × 8 yt, अब ये बराबर हो गया, यानी एक y से मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर बराबर हो गया। तो जब y से मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर बराबर हो जाएगा तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये इंटीग्रेशन फैक्टर है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर है, हेंस y इज द फैक्टर दैट मेक्स द इक्वेशन एग्जैक्ट, दस y इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन फैक्टर। ये y ही वो इंटीग्रेशन फैक्टर है जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो ये था जी आपके शॉर्ट